मंत्री असीम अरुण ने वृक्षारोपण किया है, वो भी वृहद स्तर पर। माँ के नाम 3 पेड़ लगाए हैं और संरक्षण का संकल्प भी लिया। मंत्री ने आम जन से भी 1 पेड़ माँ के नाम लगाने की अपील की है। मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी से आगे आने का अनुरोध किया है। उमरदा के 30 हेक्टेयर वन क्षेत्र में भाजपा के कई नेताओं सहित डीएम डीएफओ ने वृक्षारोपण किया। जिले में इस बार लगाए जाएंगे करीब 40 लाख पेड़। कन्नौज से अमित मिश्रा की रिपोर्ट। आज पूरे भारतवर्ष में हम लोग एक बहुत बड़े वृक्षारोपण कार्यक्रम पे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 पेड़ माँ के नाम लगाया और हम सबको प्रेरणा दी कि हम लोग भी ऐसे ही करें। और आज यहाँ उमरदा में एक बहुत बड़ा भूखंड है 20 हेक्टेयर का, जिसपे हम सब मिल करके अपनी अपनी माँ के नाम पौधा लगा रहे हैं। मेरे द्वारा भी श्री हरिशंकरी के नाम से 3 पवित्र पौधे लगाए गए। आदरणीय वीर सिंह बघेरिया जी, आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्षा प्रिया दीदी, डीएम साहब, अपर्णा जी जो नोडल अफसर के रूप में आई हैं, हम सब ने मिलके पौधे लगाए और अभी पूरे कन्नौज में आज हम लोग एक बहुत बड़े टारगेट के साथ में काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ से ज़्यादा पौधे आज लगने वाले हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वर्ष जब तापमान 50 डिग्री से ऊपर बहुत सी जगहों पर चला गया था, तो अब हमको पूरी तरह सचेत हो जाना है, हर वर्ष पौधे लगाना है और लगाने के साथ साथ ये भी देखना है कि कोई पौधा जले ना, नष्ट ना हो, पशुओं द्वारा खा ले नहीं जाए। ऐसा देखा जाता है कि पौधा रोपण हर साल होता है, लेकिन जिम्मेदारी नागरिकों की भी होती है, तो उसके बाद वो चीज़ इंप्लीमेंट दिखाई नहीं देता है, सब बेकार हो जाते हैं, तो ऐसे में कुछ। बिल्कुल आपने सही कहा, इसीलिए आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय योगी जी ने इस बात को इस बार बहुत तत्परता से लिया है कि पौधा लगा करके आगे नहीं बढ़ जाना है, पौधा लगा करके उसकी रक्षा करना है। जैसे माँ हमारी रक्षा करती है, हम माँ की सेवा करते हैं, तो ये पौधा जो माँ के नाम हम लगा रहे हैं वो भी इसी रूप में है। हमको पौधे की सेवा करना है और पौधा आगे चल के हमको फल फूल छाया सभी देगा। तो वृक्षारोपण करना आसान काम है, उसको सहेजना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। दोनों काम को हम लोग साथ लेकर के चल रहे हैं। धन्यवाद।